हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? तो चलिए आज बनाते हैं कुछ स्टार्टर्स, या तो फिर आप इसे मेन कोर्स के थ्रू भी सर्व कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पाइसी ड्राई प्रॉन्स। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, काफी कम इंग्रेडिएंट्स लगती है और वेरी नाइस टेस्टी भी बनता है। पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं प्रॉन्स। यहाँ मैं करीब 500 ग्राम प्रॉन्स ले रही हूँ। इन प्रॉन्स का मैंने स्किन निकाल दिया है, ये पूरी तरह से क्लीन है और वॉश अच्छी तरह से वॉश करके साइड में रखी है। अब हम लेते हैं इसके मसाले। मसालों में हमें ऐड करना है करीब 1 टीस्पून हल्दी लेनी है। अब हमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है, फिर डालना है थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालनी है अपने तीखापन के अनुसार, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। ये करीब होल लेमन है जिसे मैंने स्क्वीज करके रखा था। नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार, और अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी मिक्स करने के बाद हमें डालना है करीब इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमें फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रखना है करीब 30 to 45 मिनट्स तक, क्योंकि अच्छे से मैरिनेशन बहुत ही जरूरी है। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं यहाँ लेती हूँ एक बर्तन। बर्तन में ऐड करेंगे हम तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। करीब 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। अब डालते हैं इसमें राई। राई को अच्छे से तड़कने दीजिए। उसके बाद हम डालते हैं थोड़े से करी लीव्स। करी लीव्स को भी अच्छे से सौते होने दीजिए। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 4 हरी मिर्चें स्लाइस कटी हुई और 2 सूखी मिर्ची। अगर हरी मिर्च आपको स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ऐड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं मैरिनेटेड प्रॉन्स। प्रॉन्स को मसालों के साथ पूरा डाल दीजिए। मसाला भी इसमें ऐड होना चाहिए। अगर हमें इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर वेरी ड्राई। तो मसालों प्रॉन्स को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे लेट दे के करीब 2 मिनट पकने दीजिए। 2 मिनट के बाद इसे मैं हटा रही हूँ और फिर से इसे स्टर कर रही हूँ। देखिए हमारे प्रॉन्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, हमें प्रॉन्स को ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर हम ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत ही रबड़ जैसे हो जाएंगे और हमें इसे चू करने में बहुत ही तकलीफ होगी। इसलिए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही इसे पकाना है। अब हमारी प्लेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, एकदम स्पाइसी है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी बनी है। और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे जरूर फॉलो कीजिए, इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टिल देन स्टे सेफ, बाय।